हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में मेस्टाइटिस के पार्ट फोर्थ के बारे में बात करते हैं। इसमें हम लोग जानेंगे कि मेस्टाइटिस क्या होती है, उसके क्या कारण होते हैं, ये बीमारी फैलती कैसे है, इसके आपको क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं, साथ ही साथ में जानेंगे इसका इलाज और बचाव क्या क्या है, इसके बारे में आज हम लोग पूरी डिटेल से बात करते हैं। वीडियो को स्किप करके मत देखना, वीडियो बहुत ही नॉलेजबल फुल वीडियो है। तो आइए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग मेस्टाइटिस के सिनोनिम्स के बारे में बात करते हैं। तो मेस्टाइटिस को हम लोग मेमेटाइटिस भी कहते हैं, इसको हिंदी में थनैला रोग भी कहते हैं, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि मेस्टाइटिस होती क्या है। मेस्टाइटिस एक पैथोजेनिक से होने वाली बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, जो डोमेस्टिक पशु यानी कि जो पालतू पशु होते हैं, जैसे कि गाय भैंस भेड़ बकरी, जो उनकी थन होती है उसमें सूजन हो जाती है, जिसके कारण वो खाना पानी कम कर देती है, दर्द होता है, और वो जो मिल्क देने वाले पशु होते हैं उनका प्रोडक्शन लेवल कम हो जाता है, इसको हम लोग मेस्टाइटिस कहते हैं। ये खास करके आपको जैसे डेयरी एनिमल में जैसे गाय भैंस हो गई, उसमें आपको ज़्यादातर देखने को मिलता है। यानी कि कह सकते हैं कि जो दुधारू पशु होते हैं यानी कि जो ज़्यादा दूध देने वाले पशु होते हैं, उसमें मेस्टाइटिस आपको जनरली देखने को मिलती है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि मेस्टाइटिस किस किस कारण से होती है। तो मेस्टाइटिस मेनली दो कारण से होती है, एक पैथोजेनिक के कारण होती है, दूसरी नॉन पैथोजेनिक के कारण होती है। जो पैथोजेनिक के कारण होती है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, तीसरा फंगल इन्फेक्शन हो गया, चौथा माइकोप्लाज्मा के कारण भी होती है। ये होगी पैथोजेनिक, मतलब पैथोजेनिक के कारण मेस्टाइटिस। अब हम लोग बात करते हैं नॉन पैथोजेनिक के कारण। नॉन पैथोजेनिक के कारण जैसे कि उसमें जो उसकी थन होती है उसमें ट्रोमा यानी कि कोई घाव हो गया है, या उसकी जो टीट है कट गई है, उसके कारण हो सकती है। दूसरा कारण यह है कि जैसे जो बछड़ा होता है या बछिया होती है, या गाय का बच्चा हो या भैंस का बच्चा हो या जैसे भेड़ बकरी का बच्चा हो, वो जो मिल्क सक करता है तो जोर जोर से उसकी गादी पे मारता है, तो उसके कारण उसको इंजरी हो जाती है, तो उससे भी मेस्टाइटिस होती है। ये हो गया दूसरा कारण। तीसरा कारण यह है कि जो किसान भाई हैं या पशुपालक भाई, उनके गलत मिल्किंग से भी मेस्टाइटिस होती है। चौथा यह है कि जो मतलब हाइजीनिक मेंटेन नहीं करते, उसके कारण से भी मेस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग होता है, ये इसका कारण हो गया। अब हम लोग इसके ट्रांसमिशन यानी कि फैलने के बारे में बात करते हैं कि ये जो थनैला रोग होता है किस कारण से फैलता है। तो इसमें क्या होता है, जो एनिमल होता है प्रदूषित खाना खा लेगा, पानी पी लेता है, उसके कारण से यह मेस्टाइटिस होती है। फिर दूसरा, जो हम लोग जिसमें जिस पात्र में मतलब मिल्क निकालते हैं वो पात्र अच्छे से साफ सफाई नहीं होता, उसके कारण भी मेस्टाइटिस होती है। तीसरा यह है कि जो मिल्कर होते हैं यानी कि जो दूध निकालने वाले ऑनर होते हैं, उनका जो जब दूध निकालते हैं तो हाथ की साफ सफाई नहीं करते हैं, तो उसके कारण से भी यह बीमारी फैलती है। चौथा यह है कि जैसे कोई गाय या भैंस है, उसमें बहुत ज़्यादा गोबर लगा है उसकी गादी में, उसको अच्छे से प्रॉपर साफ नहीं किया गया है, उसमें कोई डिस्चार्ज आ रहा है, तो उसके कारण से भी यह मेस्टाइटिस फैलती है। ये हो गया इसका ट्रांसमिशन। अब हम लोग इसके सिम्टम्स यानी कि क्लिनिकल साइन के बारे में बात करते हैं कि मेस्टाइटिस के क्या क्या क्लिनिकल साइन देखने को मिलते हैं। वैसे तो मेस्टाइटिस के कई प्रकार के क्लिनिकल साइन होते हैं, जैसे कि एक्यूट फॉर्म होता है, सब एक्यूट फॉर्म होता है, क्रोनिक फॉर्म होता है, ये पहले टाइप के हो गए। दूसरा होते हैं क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है, सब क्लिनिकल मेस्टाइटिस होती है, ये दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म इन्वायरमेंटल मेस्टाइटिस भी होती है, मतलब इसके कई सारे रूप होते हैं। तो मैं इसमें आपको जनरली दो ही फॉर्म बताऊंगा, एक एक्यूट फॉर्म के बारे में बात करूंगा, दूसरा क्रोनिक फॉर्म के। तो एक्यूट फॉर्म में क्या होता है, जो मतलब चाहे गाय भैंस हो या भेड़ बकरी हो, तो उसमें क्या होता है, जो उसकी अडर यानी कि जो गादी होती है वो हार्ड हो, मतलब सॉरी उसमें सूजन हो जाता है, और जब उसको टच करेंगे तो गरम गरम देखने को मिलता है, और उसको बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो उसके कारण वह खाना पानी कम कर देती है, दूध देना भी कम कर देती है। ये आपको पहला लक्षण देखने को मिलेगा। दूसरा लक्षण ये देखने को मिलेगा, जब आप उसको दूध निकालते हैं तो दूध का उसमें थक्का जमना शुरू स्टार्ट हो जाता है,
उसमें कभी कभी दूध के साथ साथ खून भी देखने को मिलता है। ये इसका जो मेन लक्षण होता है एक्यूट फॉर्म का। अब हम लोग बात करते हैं क्रोनिक फॉर्म में। क्रोनिक फॉर्म में क्या होता है कि जो उसकी गादी होती है भेड़ बकरी या गाय भैंस की, तो उसकी जो गादी स्थान होती है एकदम कठोर हो जाती है। जब आप उसको टच करेंगे तो वो ठंड हो जाएगी, उसमें किसी भी प्रकार का दर्द नहीं होता। ये बहुत ही डेंजरस मेस्टाइटिस होती है, इसका ट्रीटमेंट कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये इसके कुछ आपको बेसिक लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि मेस्टाइटिस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं, कि नहीं कि हम कैसे पता लगाएं कि हमारी जो भेड़ बकरी है या गाय भैंस है उनको थनैला रोग हो गया है। इसके बहुत सारे टेस्ट होते हैं। इसका सबसे पहले हम लोग फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, यानी कि आप हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर इसको डायग्नोस कर सकते हैं। जैसे उसका साइज हो गया, थन का साइज हो गया, शेप हो गया, मिल्क निकाल के चेक कर सकते हैं कि मिल्क का कहीं कलर तो नहीं चेंज है, उसमें खून तो नहीं आ रहा है। इस प्रकार से आप उसका पहचान सकते हैं। ये पहला सिम्टम मतलब वो हो गया। दूसरा डायग्नोसिस यह है कि आप बहुत सारे टेस्ट करा सकते हैं लैब में, जैसे कि एक कैलिफोर्निया टेस्ट होता है जिसको हम लोग CMT टेस्ट शॉर्टकट में बोलते हैं। इसमें क्या होता है, चार चैम्बर बने रहते हैं, उसमें मिल्क को डालते हैं, फिर उसको रिएजेंट को डालते हैं, जो CMT रिएजेंट होता है उसको डालते हैं। जब उसको डालते हैं तो जो मिल्क का कलर होता है ब्राउन कलर का हो जाएगा, यानी कलर चेंज हो जाएगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा या येलोइश कलर का हो जाता है, या तो जो मिल्क होता है उसमें क्लाटिन थक्का बन जाता है। तो इससे कन्फर्म हो जाता है कि हमारे पशु को मेस्टाइटिस यानी कि थनैला रोग हो गया है। ये कि पहला टेस्ट है। दूसरा टेस्ट मिल्क रिंग टेस्ट होता है। इसमें आपको टेस्ट ट्यूब लेना है, फिर उसमें मतलब रिजेंट डालना है। जैसे ही आप रिजेंट डालेंगे तो आधा घंटा या 15-20 मिनट आपको वेट करना पड़ता है। तो इसमें जो मिल्क का कलर होता है वो चेंज हो जाता है। इससे भी कन्फर्म कर सकते हैं कि हमारे पशु को मेस्टाइटिस हो गई है। दूसरा टेस्ट हो गया। तीसरा होता है स्ट्रिप कप टेस्ट। ये जो कि सबसे सिंपल होता है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, चार कप लेनी है और चारों थन से आपको दूध निकाल लेना है, अलग अलग दूध रखना निकालना। यदि आपके पशु को थनैला रोग है तो वो जो ब्लड मतलब जो मिल्क होता है वो क्लाट हो जाता है, यानी कि उसमें फ्लेक बन जाएगा। इससे कंफर्म हो जाता है कि हमारे पशु को मेस्टाइटिस हो गया। इस प्रकार से आप उसकी डायग्नोसिस कर सकते हैं। अब इसकी हम लोग ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। कोई भी पशु हो, गाय भैंस भेड़ बकरे या जो जितने भी मतलब मिल्क देने वाले पशु हैं, जैसे कैमल वगैरह भी होता है, तो उसमें सेम ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में ट्रीटमेंट बताऊंगा। ये जो आपको ट्रीटमेंट बताऊंगा ये आपको रजिस्टर्ड वेटरनरी डॉक्टर की सलाह से ही, ये इंजेक्शन है या टेबलेट है या जो भी दवाई आपको बताऊँगा उनकी सहायता से आपको करवाना है। तो आइए अब हम लोग इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स कौन सी लगानी है, मतलब हम अपने पशु को ऐसी कौन सी एंटीबायोटिक दे। तो इसमें आपको सबसे पहले क्या करना है, मतलब एलोपैथिक ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो जो पशु है वो यदि उसका एक्यूट मेस्टाइटिस है, तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि अगर शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा है कि उसको थनैला रोग हो गया है, तो उसको क्या करना, जितना भी मिल्क है मिल्क को आपको निकाल लेना है। यदि मिल्क नहीं मतलब हाथ से निकालने से नहीं निकल रहा, तो आपको मतलब नीडल प्रिक करके 24 गाज से उसको नीडल प्रिक करके हल्का से प्रिक करेंगे तो मिल्क को फिर आपको पूरा निकाल लेना है। वो मिल्क किसी भी काम का नहीं रहता, उसको मिल्क डिस्कार्ड कर देना, उसको किसी को भी नहीं पिलाना, चाहे गाय भैंस का बच्चा हो या आदमी का बच्चा, किसी को भी नहीं पिलाना। ये आपको पहला काम करना। फिर दूसरा काम ये करना है कि जो पेडेस्टिन सल्फेट की ट्यूब आती है, मेमीटॉल की भी ट्यूब आती है, उसको आप 6 ml की ट्यूब, एक ही ट्यूब आती है, एक ट्यूब आपको अपने मतलब गाय भैंस को जो थन होती है टीट के अंदर आपको डाल देना है। साइफन ट्यूब भी आती है, उससे भी आप उसको मिल्क निकाल के ट्यूब को डाल सकते हैं पूरी तरीके से। ये आपको दूसरा काम करना। अब तीसरा काम मैं आपको इंजेक्शन बताऊंगा। इंजेक्शन में जैसे कि इंटासर्ट टेजोबैक्टम का इंजेक्शन आता है, ये बहुत अच्छा काम करता है। ये 1.5 ग्राम का भी आता है, 3 ग्राम का आता है। जो बड़े पशु होते हैं उनको आपको क्या करना है, पाउडर फार्म में आएगा, तो 20 से 30 ml आपको डिस्टिल वाटर लेना है, उसको अच्छे से प्रॉपरली डिजॉल्व कर लेना है।
इसको क्या करना, पूरे मतलब डिजॉल्व करने के बाद अपने पशु को, जो बड़े पशु हैं उसको पूरा लगाना है। चाहे आप इसको इंट्रामस्कुलर दे सकते हैं या इंट्रावीनस, दोनों तरीके से इस इंजेक्शन को आपको कम से कम 6-7 दिन लगातार लगाना है। दिन में एक बार इस इंजेक्शन का यूज करना है। ये पहला इंजेक्शन हो गया, मतलब आपको 3-4 एंटीबायोटिक बताऊंगा, इनमें से आपको कोई एक एंटीबायोटिक यूज करनी है। ये पहले एंटीबायोटिक हो। दूसरी एंटीबायोटिक आती है एमोक्सिसिलिन प्लस क्लोक्सासिलिन की एंटीबायोटिक आती है, वो भी पाउडर फॉर्म में आती है, वो 3 ग्राम की आती है। उसको भी आप 20 ml डिस्टिल वाटर लेना है, डिजॉल्व कर लेना है। अच्छे से डिजॉल्व करने के बाद आप अपने पशु को मतलब पूरा लगा देना है। जो बड़े पशु हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फिर जो भेड़ बकरी, ये मतलब गाय भैंस का होगा, जो भेड़ बकरी होती है उसमें इंट्रोफ्लॉक्सासिन बहुत अच्छा काम करती है, वो आप अपने भेड़ बकरी को लगवा सकते हैं। जो बड़ी भेड़ बकरी होती है उसमें 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस दोनों तरीके से लगा सकते हैं। जो छोटी भेड़ बकरी होती है उसको आप 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस दोनों तरीके से लगा सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि मतलब जैसे जो हीफर होती है, गाय की हीफर हो गई या बफेलो हीफर हो गई, उनको हम लोग किस डोज से लगाए। तो जैसे बड़े पशु होते हैं तो अगर हम उसमें 20 ml लगा रहे हैं तो उसका जस्ट आपको आधा कर देना है, 10 ml आपको इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगाना है। ये आपको पहला इंजेक्शन मैंने बताया, ये जो इंजेक्शन मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको रजिस्टर्ड वेटनरी डॉक्टर की सहायता से ही लगवाने हैं। ये पहला इंजेक्शन होगा। दूसरा इंजेक्शन आपको एंटी इंफ्लामेटरी का लगवाना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा आपके पशु के दर्द हो रहा है, खाना पीना नहीं खा रहा है, बुखार भी हो गया, तो आप जो भी डीएम का इंजेक्शन आता है जिसमें कंटेंट होता है मिलाक्सिकियम कंटेंट होता है, जो बड़े पशु होते हैं आप उसको कम से कम 20 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस भी लगा सकते हैं। जो छोटे पशु होते हैं जैसे बफेलो हीफर हो गई, कैटल की हीफर हो गई, तो आप उसको 10 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगा सकते हैं। अब बात करते हैं भेड़ बकरी की। भेड़ बकरी में जैसे बड़ी भेड़ बकरी है तो उसको 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगाएंगे, जो छोटी भेड़ बकरी होती है उसको हम लोग 3 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस लगाते। ये दूसरा इंजेक्शन होगा। जैसे आपके पास जो भी डीएम का नहीं इंजेक्शन है तो टोल्फेनामिनिक एसिड का इंजेक्शन आता है, उसको भी आप सेम तरीके से लगा सकते हैं। यदि वो भी नहीं है तो फ्लुनेक्सिन मेगलोमाइन का इंजेक्शन आता है, वो भी बहुत अच्छा काम करता है, उसको भी आप यूज में ले सकते हैं। ये दूसरा इंजेक्शन मैंने आपको बताया। अब हम लोग तीसरे इंजेक्शन की बात करते हैं। तीसरा इंजेक्शन जैसे कि एविल का इंजेक्शन आता है, यदि एविल नहीं है तो आप काइडेस्टिन का इंजेक्शन यूज कर सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं, बड़े पशुओं में जो उनकी डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर लगाई जाती है। जो छोटे पशु होते हैं जैसे बफेलो हीफर हो गई, कैटल की हीफर हो गई, तो उसको आप 5 ml इंट्रामस्कुलर लगा सकते हैं। अब जो भेड़ बकरी होती है तो उसमें जो बड़ी भेड़ बकरी होगी उसको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाएंगे, जो छोटी भेड़ बकरी होगी उसको आपको 3 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। ये मैं आपको जो डोज बता रहा हूँ टोटल डोज बता रहा हूँ। ये तीसरा इंजेक्शन होगा। चौथा इंजेक्शन आप अपने पशु को आइसोफ्लूट का लगाना है। आइसोफ्लूट जो कार्टिकोस्टेरॉइड का इंजेक्शन आता है, जो बड़े पशु होते हैं उसको आप 10 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो छोटे पशु होते हैं जैसे कि बफेलो हीफर हो गए, कैटल हीफर हो गए, उसको आपको 3 ml या 5 ml इंट्रामस्कुलर इंट्रावीनस देना है। जो भेड़ बकरी होती है 1 से 1.5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस देना है। ये चौथा इंजेक्शन हो। अब जैसे बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ये रहती है कि हमारा पशु कुछ खा नहीं रहा है, पी नहीं रहा है, तो आप उसको मल्टीविटामिन का इंजेक्शन दे सकते हैं। जैसे कि बेलामीन का इंजेक्शन आता है, वो बहुत अच्छा काम करता है, वो आप अपने पशु को लगवा सकते हैं। जो बड़े पशु होते हैं उनकी जो डोज होती है 10 ml इंट्रामस्कुलर ही इंजेक्शन को आपको लगाना है। जो छोटे पशु होते हैं उसको आपको 5 ml इंट्रामस्कुलर लगाना है। ये पाँचवा इंजेक्शन होगा। ये मतलब इसका ट्रीटमेंट हो गया। अब हम लोग बात करते हैं इसके बचाव के बारे में। बचाव में क्या करना है आपको, सबसे पहले तो मतलब जो पात्र यूज कर रहे हैं उस पात्र को प्रॉपरली अच्छे से वाश करना है, अपने हैंड को अच्छे से मतलब प्रॉपरली साफ करना है। दूसरा काम, तीसरा काम, या जो पशु का थन होता है उसको अच्छे से प्रॉपरली साफ करना, ये तीसरा काम होगा। चौथा काम ये कि जब आप पशु को मतलब खाना पानी देते तो उसको अच्छे से फ्रेशली आपको ताज़ा मतलब पानी
पिलाना है, ताज़ा मतलब चारा देना है, कहने मतलब जितनी अच्छी आप हाइजीनिक मेंटेन करेंगे उतना जल्दी ही आपका पशु मतलब सही होगा। ये इसका सबसे बड़ा वो इफेक्ट पड़ता है। इस प्रकार से आप अपने पशु का कंप्लीट ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। अगर ये मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।